हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम नए उभरते स्टार कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा का ट्रेलर रिव्यू करेंगे, जो कि 10 फरवरी को रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। दोस्तों, शहजादा अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट तेलुगु फिल्म अल्ला वैकुंठ पुरमल्लू की रीमेक है, लेकिन हम इस ट्रेलर को अल्लू अर्जुन की फिल्म से यहाँ कंपेयर नहीं करेंगे। ट्रेलर में दिखाया गया कि कार्तिक परेश रावल यानी कि वाल्मीकि की फैमिली के साथ बड़ा हुआ है, लेकिन असलियत में वो सुपर रिच जिंदल फैमिली का वारिस है जहाँ वाल्मीकि काम करता है। ट्रेलर के एंटागनिस्ट सन्नी हिंदुजा कार्तिक के असली डैड रोनित रॉय और उसकी मॉम मनीषा कोइराला की जान के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों ये हमें पता चलेगा फिल्म देखकर। तो आते हैं ट्रेलर रिव्यू पे। ट्रेलर में हम कार्तिक को ढेर सारी कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा करते देख रहे हैं, एकदम 90s के गोविंदा की फिल्म जैसे। पर जो कार्तिक पहली बार कर रहे हैं वो है बड़ा फिल्मी एक्शन। ये ऐसा एक्शन है जैसे सलमान की 2009 की वांटेड या दबंग या फिर 2012 की अक्षय कुमार की राउडी राठौड़ में देखा गया है। सब डेटेड है। प्लस अनफॉर्चुनेटली कार्तिक पर ये एक्शन सूट नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी बिल्ट यानी कद काठी अभी एक्शन हीरो जैसी स्ट्रांग नहीं है। रोमांस वाइज कार्तिक और कीर्ति की जोड़ी एकदम अमेजिंग लग रही है। कुछ कुछ जगह पर कॉमेडी थोड़ी फोर्स जरूर लग रही है। समझ ये आ रहा है कि टिपिकल साउथ इंडियन मसाला फिल्म है जिसका प्लॉट बहुत वीक है और डेटेड है। लेकिन कार्तिक आर्यन और फिल्म की जबरदस्त सपोर्टिंग कास्ट जैसे राजपाल यादव, रोनित रॉय, मनीषा कोइराला, ब्राइट विजुअल्स और प्रीतम के धमाकेदार म्यूजिक को देखकर हम ये मानते हैं कि ये फिल्म एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक ओपनिंग लेगी। फिर अगर स्टोरी वाकई अच्छी निकल आए तो पिकअप जरूर होगा। पर्सनली ट्रेलर को देख के हम एक्साइटेड नहीं है। फिल्म को रोहित धवन ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पहले भी ऐसी ग्लिट्ज़ी मसाला फिल्म्स जैसे देसी बॉयज और धिशुम डायरेक्ट की है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, अमन गिल और खुद कार्तिक आर्यन ने। सो वेल फ्रेंड्स, ये था शहजादे का ट्रेलर रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए। रिव्यू को अपने कार्तिक आर्यन और कृति सेनन के फैन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।